दोस्तों ये कहानी है देश के सबसे बड़े आलसी इंसान की, नाम अलबेला टांगे वाला। हाँ, उसके माँ बाप ने तो उसे यही नाम दिया था, पर उसने कभी भी इस नाम का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि अलबेला टांगे वाला खुद को कहता था टट्टा राज। अब टट्टा राज इतना ज्यादा आलसी था कि वो अपने पास पैसे ही नहीं रखता था। उसे अगर किसी भी चीज का भुगतान करना होता था, फिर चाहे वो 58 हो या 54, सब चेक द्वारा ही करता था। एक रात वो जैसे ही अपने घर में घुसता है, पाता है दो लोग उसका वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से एक उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाता है और लैटरिन का ठंडा ठंडा मीठा पानी पिलाता है। पूछता है, पैसे कहाँ हैं अलबेला टांगे वाला, मुझे पैसे चाहिए। वो कहता है, जरूर इस लैटरिन में ही होंगे, एक बार फिर से डुबोना, मैं ढूंढ कर निकालता हूँ। जिस पर टपोरी उसे फिर से ठंडा ठंडा पानी पिलाता है और कहता है, भिछड़ी के ज्यादा शाणा मत बन, हम वसूली करने आए हैं। तेरी बीवी तारा रंपम ने हमसे पैसे उधार लिए हैं, जो पैसे अब तुझे चुकाने हैं। इतने में दूसरे वाला टपोरी जो दरवाजे के पास खड़ा था, चैन खोलता है और टट्टा राज के कारपेट पर मूत देता है। वो कहता है, सुनो मादर खोदो बावली बूचो, मेरा नाम अलबेला टांगे वाला नहीं है, मेरा नाम तो टट्टा राज है, प्लीज मेरे कारपेट को बख्श दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब कौन जानता था कि ये सारी भसड़ उस कारपेट की वजह से शुरू होगी, क्योंकि वो कारपेट निरा मनहूसियत की दुकान था। टपोरी फिर से पूछते हैं, चल अब जल्दी बता पैसे कहाँ हैं और तेरी बीवी तारा रंपम कहाँ है। वो पूछता है, बीवी कौन सी बीवी, सुबह सुबह किसी की सड़ी गिंड सूंघकर नशा किया था क्या, मुझे देखकर कहीं से भी लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ। और टॉयलेट से अपना स्वैग वाला चश्मा निकालकर अपनी राजगद्दी पर बैठ जाता है, जिससे वो दोनों टपोरी समझ जाते हैं कि हमने गलत नंबर लगा दिया, हमने गलत अलबेला टांगे वाला को रगड़ दिया। आगे वो अपने दोस्त से मिलता है और अपने साथ घटित हुई सारी बातें बताता है। उसका मोटा दोस्त, जिसका नाम विशुद्ध गुंडागर्दी है, कहता है, हाँ भाई मैंने देखा था वो कारपेट, वो तेरे घर की शान था। और बताता है, इस शहर में दो अलबेला टांगे वाला है, एक तो तू जो गरीब है फकीर है, दूसरा वो साला जो करोड़पति मिलियनर है, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, पक्का वो उसके लिए ही आए होंगे। पर साला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बीवी तारा रंपम शहर के लोगों से उधार मांगती क्यों फिर रही है। टट्टा राज कहता है, भिणचो मुझे उस दूसरे अलबेला टांगे वाला को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसकी बीवी लोगों से उधार मांग रही है और वसूली वाले मेरे कारपेट पर मूत कर जा रहे हैं। अगले दिन टट्टा राज दूसरे टांगे वाला से मिलने जाता है, जहां पहले उसकी मुलाकात उसके चमचे से होती है, जो उसे दिखाता है कि वो कितना महान है, उसके पास कितनी डिग्रियां है, कितने अवार्ड है, वगैरह वगैरह। फिर बूढ़ा टांगे वाला अपनी ऑटोमेटिक लोडा गाड़ी पर आता है और कहता है, तू भी टांगे वाला, मैं भी टांगे वाला, बहुत अच्छी बात है, पर भिछड़ी के तू यहाँ करने क्या आया है, जल्दी बोल, मैं बहुत बिजी हूँ, बता क्या काम है तुझे मुझसे। टट्टा राज बताता है कि सर मेरे पास एक कारपेट था जो मेरे घर की शान था, अभी एक दिन पहले दो बंदे आए और उस पर अपनी टांग उठाकर मूत कर चले गए, वो लोग आपको ढूंढ रहे थे, आपके कारपेट पर पेशाब करना चाहते थे। बूढ़ा पूछता है, भिछड़ी के मैंने मूता क्या, मैं तेरे घर आया था क्या, नहीं ना, तो तू मुझे यहाँ आकर ब्लेम क्यों कर रहा है, निकल यहाँ से। जिस पर वो अपने स्वैग वाले चश्मे लगाता है और उसके चमचे से कहता है, तुम्हारे बॉस ने मुझसे कहा है कि जो कारपेट मुझे पसंद आए मैं वो ले जाऊं, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसमें वो उसके घर से एक महंगा सा कारपेट उठा लेता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर एक माल पर पड़ती है जिसका नाम है तारा रंपम, और यही है वो बूढ़े टांगे वाले की वाइफ जो गांव-गांव जाकर उधार मांगती फिर रही थी। चमचा, जो अपने बॉस की वाइफ की हरकतें जानता था, इसलिए कहता है, चलो यार यहां से चलते हैं। तभी तारा रंपम कहती है, $1,000 दोगे तो मैं तुम्हारी अभी के अभी तबियत हरी कर दूंगी। अब टट्टा राज जो अपनी तबियत हरी तो करवाना चाहता था, पर साले के पास इतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो वहां से कट लेता है। अगले दिन जब वो शांति से अपने नए कारपेट को एंजॉय कर रहा था, तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है, जिसमें उसे फिर से बूढ़े टांगे वाला के पास बुलाया जाता है, कारपेट के लिए नहीं, उसकी मदद के लिए। जिस पर वो तुरंत बूढ़े से मिलने जाता है, जो एक कमरे में जूतिये सी शक्ल बनाकर बैठा था। कहता है, मैं हर चुनौती से जीता, कॉम्पिटिटर को हराया, रेस की हर बाधा को पार किया, वो सब किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और रोते रोते बोलता है, मेरी वाइफ तारा रंपम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि उसका चमकीला गठीला बदन मुझमें जोश भर देता है। चमचा टट्टा राज को एक लेटर देता है, जो कि उन्हें सुबह ही मिला था, जिसमें साफ साफ टूटे फूटे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि तारा रंपम को हमने किडनैप कर लिया है, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो $1,000,000 लेकर हमें खोपचे में मिलो। चमचा कहता है, सर ने मुझसे कहा कि अगर तुम फिरौती की बताई हुई जगह पर पैसे लेकर जाते हो, तो वो तुम्हें बदले में काफी पैसे देंगे, और उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन्होंने तुम्हारा कारपेट खराब किया था, वो वही आदमी है जिन्हें सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम ही पहचान सकते हो। और उसे पैसों से भरा हुआ बैग देता है, कहता है, वो जो भी कहे मान लेना, क्योंकि तारा रंपम की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। आगे टट्टा राज उन पैसों को सीधा किडनैपर्स को देने के बजाय जाकर अपने दोस्त विशुद्ध गुंडागर्दी से मिलता है, जो कि अपने साथ एक नकली बैग
भी लाया था। टट्टा राज पूछता है, बीवली गिंड तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कहता है, हम सिर्फ कुछ ही पैसों से क्यों संतुष्ट हो जाए जबकि हमें पूरे 1 मिलियन मिल सकते हैं। टट्टा राज कहता है, भीषड़ी के बावली तेरेड, ये कोई गेम नहीं है, किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। वो कहता है, हाँ ये गेम ही है क्योंकि तूने खुद ही कहा था कि ये किडनैपिंग तुझे नाटक लगती है। तभी टट्टा का फोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, फोन उठा झाट के बाल। वो फोन उठाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे पैसों से भरा बैग सामने आ रहे लकड़ी के पुल के पास फेंकना है। अब विशुद्ध गुंडागर्दी जिसके दिमाग में लोड़े भरे पड़े थे, वो नकली बैग को फेंक देता है और खुद भी उस बैग पर निगाह रखने के लिए चलती कार से कूद जाता है ताकि वो उन किडनैपर्स को पकड़ ले और उनसे तारा रमपम को छुड़वा ले बिना एक भी फूटी कोड़ी दिए, जिसमें उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है और ऑटोमेटिक फायर करने लगती है, जिसकी आवाज से किडनैपर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बोलिंग करने पहुंचते हैं, जहां गुंडागर्दी उससे कहता है, अब जो भी हुआ उसे भूल जा दोस्त, आगे देख लेंगे। टट्टा राज पूछता है, मैं उस बूढ़े टांगे वाले को क्या जवाब दूंगा, बताना जरा भसूड़ी के? वो पूछता है, तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको सच सच बता देंगे कि हमने उन किडनैपर्स को पैसे दे दिए। टट्टा राज कहता है, साले गधे, वो तारा रमपम को मार देंगे। और फिर जैसे ही वो बोलिंग करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं है क्योंकि वो चोरी हो चुकी थी, जिसके अंदर $1 मिलियन पड़े थे। टट्टा राज गुस्से में बुरी सी शकल लेकर घर पहुंचता है, जहां उसने पुलिस वालों को अपनी कार की रिपोर्ट लिखवाने के लिए बुला रखा था। बताता है, मेरी कार का रंग हरा था, कहीं कहीं पर जंग लगा था और उसके अंदर एक बैग भी पड़ा था। पुलिस वाले पूछते हैं, सर उस बैग के अंदर क्या था? वो कहता है, मेरे बिजनेस के जरूरी पेपर वगैरह थे। वो पूछते हैं, आप काम क्या करते हो? बताता है, मैं बेरोजगार भत्ते के सहारे जी रहा हूं। और उन्हें ये भी बताता है कि उसका कारपेट भी चोरी हो गया है। वो पूछते हैं, क्या कारपेट भी कार में था? टट्टा कहता है, नहीं, वो मेरे घर से चोरी हुआ है। तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है जिसमें बूढ़े टांगे वाले की बेटी मस्तानी टांगे वाली बताती है कि तुम्हारा कारपेट मेरे पास है, जो अगर तुम्हें वापस चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे आकर मिलो। जिस पर टट्टा झटपट फटाफट मस्तानी टांगे वाली से मिलने पहुंचता है, जो उससे कहती है, कारपेट तो तुम्हें मिलने से रहा क्योंकि वो कारपेट मेरी मोम ने मुझे गिफ्ट किया था। और पूछती है, क्या तुम्हें खेत में मजदूरी करना पसंद है? लेकिन टट्टा राज की सुई तो अभी भी कारपेट पर अटकी हुई थी। कहता है, मैं यहाँ कारपेट की बात करने आया हूँ, ना कि तेरे खेत में फावड़ा चलाने की। वो कहती है, इसका मतलब ये है कि तेरी अब उम्र होली, अब तुझसे फावड़ा चलेगा भी नहीं। और बताती है, मेरे पापा की वाइफ तारा रमपम पहले एक नीली स्टार हुआ करती थी, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले क्या करती थी। मैं टांगे वाला फाउंडेशन की दूसरी ट्रस्टी हूँ, पहले ट्रस्टी मेरे बाप हैं। हमारी फाउंडेशन गरीब नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देती है, और जब मैंने अपने बाप से फाउंडेशन के खाते से $1 मिलियन निकालने के बारे में पूछा, तब उन्होंने मुझे ये सब बताया। मैंने उनसे कहा, ये नाटक है, तारा रमपम धोखेबाज औरत है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, वो मेरे बाप को बेवकूफ बना रही है। इसलिए बेहतर होगा टट्टा राज, तुमने वो पैसे जिनको दिए हैं तुम उनसे वो पैसे वापस लेकर आओ, जिनमें से मैं तुम्हें $1 लाख दूंगी। अब टट्टा राज की सुई तो अभी भी कारपेट पर अटकी हुई थी। कहता है, मेरा कारपेट? मस्तानी टांगे वाली कहती है, बावली गिंड, मैं तुझे $1 लाख दे रही हूँ, जिनसे तू जितने चाहे उतने कारपेट खरीद सकता है, इसलिए उन पैसों को जल्द से जल्द मेरे पास वापस लेकर आ। आगे वो अपने घर पहुंचता है, जहां उसे एक आदमी पकड़कर दूसरी गाड़ी में बैठा लेता है, जिसमें उसे मिलता है अलबेला टांगे वाला, जो उससे पूछता है, भीषड़ी के मेरे पैसे कहाँ हैं? तूने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी, मैंने तुम पर विश्वास करकर $1 मिलियन दिए जो तुमने किडनैपर्स को दिए ही नहीं। वो कहता है, मैंने उनके अनुसार वो पैसे उस जगह फेंक दिए जहां वो फेंकवाना चाहते थे, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं ताकि आपसे दोबारा पैसे ऐंठ सके। चमचा उसे एक एनवलप देता है जिसमें टट्टा राज को तारा रमपम की पैर की उंगली मिलती है। बूढ़े टांगे वाला बोलता है, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना उसका 10 गुना तुम्हारे साथ होगा। जिसके बाद ये सारी बात जाकर वो विशुद्ध गुंडागर्दी को बताता है, जो कि हंसकर कहता है, ये बात बता, पूरी दुनिया में सिर्फ वैसी नेल पॉलिश वही लगाती थी क्या? और अगर तुझे उंगली ही चाहिए तो मैं उंगलियों की लाइन लगवा दूंगा, बस मुझे दोपहर तक का समय दे, मैं तुझे वैसी ही सेम टू सेम उंगली ला कर दूंगा, सेम नेल पॉलिश के साथ। टट्टा राज जिसकी फटी पड़ी थी कहता है, यार वो उसे मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, लेकिन विशुद्ध गुंडागर्दी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। जिस पर वो फिर से गुस्सा होकर अपने घर पहुंचता है, और जब चिल मोड में मस्त नहा रहा होता है, तभी वहां 3 गुंडे आते हैं और उसके घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। पूछते हैं, बता भीषड़ी के पैसे कहाँ हैं? हमें पैसे चाहिए, कहाँ हैं पैसे? अगर कल तक हमें पैसे नहीं मिले तो साले तेरी नसबंदी पक्की है, जिसके बाद तू चौराहे पर बैठकर भजन करते रहना। आगे उसको अपनी कार मिल जाती है, जो कि एक कबाड़ खाने में खड़ी थी, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब थी। वो उसके अंदर बैठता है और अपने सूटकेस को ढूंढता है, लेकिन वो सूटकेस उसमें नहीं था। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर चल पड़ता है और घर पहुंचता है, जहां आज वो पहली बार अपनी सेफ्टी का इंतजाम करता है, ताकि कोई ऐरा गैरा गिंडू का पट्टा उसके घर का दरवाजा ना खोल सके। लेकिन इस बावली गिंड ने सारा तामझाम उल्टा लगाया था, जिससे वो धरा का धरा रह जाता है और गुंडे अंदर आ जाते हैं, उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले थे। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो सामने खड़ी थी मस्तानी टांगे वाली, जिसको उसके हाथों से फावड़ा चलवाने की चूल सी मची थी, तो कपड़े उतार देती है और टट्टा
टट्टा राज दिन दहाड़े उसे रगड़ देता है। फिर वो खूब सारी बातें करते हैं, जिस दौरान टट्टा राज को पता चलता है कि मस्तानी टांगे वाले का बाप अलबेला टांगे वाला कंगाल आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है। मस्तानी ही उसे नवाबों की तरह जीने का खर्चा पानी देती है, जो सुनकर टट्टा राज को सारा मामला समझ में आ जाता है। इसलिए वो फटाफट अपने दोस्त विशुद्ध गुंडागर्दी को कॉल करता है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। बताता है, सारा का सारा प्लान बिगड़ गया, हम किडनैपर्स को पैसे नहीं दे पाए और वो साले पागल हो गए। अलबेला टांगे वाला भी मेरे ऊपर खूब चिल्लाया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि वो गेंद फटी का भड़वा अपनी बीवी को वापस लाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसकी ले लेकर पक चुका था। वो उसे चाहता नहीं था, बस दिखावा करता था। और सबसे बड़ी बात, उस ब्रीफकेस के अंदर $1 million थे ही नहीं, वो ब्रीफकेस बिल्कुल ही खाली था। और तूने एक नकली बैग के बदले नकली बैग फेंका, विशुद्ध गुंडागर्दी कहता है, मैं समझ गया तेरी बात, पैसे अलबेला टांगे वाला के पास ही है। जिसके बाद वो उसके घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें तारा रंपम बाहर बिना कपड़ों के बरामदे में नाचती हुई दिखती है और चमचा उसके छोटे छोटे कपड़े बिनता हुआ घूम रहा था। जिससे वो पूछते हैं उस भिषंडी वाली से, तूने पूछा नहीं कि वो कहां अपने खेत में फावड़ा चलवाती घूम रही थी? चमचा कहता है, वो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई थी बिना बताए। फिर वो बूढ़े टांगे वाला से मिलते हैं और कहते हैं, चीचा अब तो आ गई वो? वो कहता है, हाँ आ गई, पर तुम्हारी वजह से नहीं। टट्टा राज पूछता है, फिर भिषड़ी वाले चीचा वो पैसे कहाँ है? हमें अच्छे से पता है कि तूने उन गरीबों के पैसे खाए अपनी फाउंडेशन के अकाउंट से निकाल कर, और वो ब्रीफकेस जो तूने हमें दिया था वो बिल्कुल खाली था, बिल्कुल तेरी गोटियों की तरह। चीचा कहता है, अपनी कहानी अपने पास रखो, मैं जानता हूँ मैंने पैसे तुम्हें दिए थे और तुमने वो पैसे चुरा लिए। टट्टा राज बोलता है, असल में तो तू बहुत खुश था कि तारा रंपम को किडनैप कर लिया गया और उसी बहाने से तुझे पैसे गायब करने का मौका मिल गया। फिर तुझे फंसाने के लिए एक बकरा चाहिए था और तुझे मैं मिल गया। चीचा कहता है, अभी के अभी मेरे घर से निकलो भीहण के लिंडो। विशुद्ध गुंडागर्दी कहता है, मैंने बहुत अपाहिज देखे हैं और मुझे लगता है कि भीहण के भाई तू अपाहिज नहीं है, सिर्फ नौटंकी कर रहा है। और उसे उसकी ऑटोमेटिक लोडा गाड़ी से जबरदस्ती खड़ा करके छोड़ देता है, जिसके पैर सच में खराब थे इसलिए वो गिर जाता है, जो कि उसके लिए बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि अपाहिज को जलील करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आगे वो बॉलिंग खेलने जाते हैं, ये सोचकर कि अब सारा मामला खत्म हो गया है। और जैसे ही खेलकर बाहर निकलते हैं, सामने खड़े थे वही तीन गुंडे जिन्होंने उसको नसबंदी करने की धमकी दी थी। कहते हैं, पैसे दो वरना हम छोकरी को मार देंगे, जबकि इन बावली गिंडो को पता ही नहीं था कि तारा रंपम कभी किडनैप ही नहीं हुई थी। टट्टा राज कहता है, साले अमावस की काली पैदाइश, तारा रंपम तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। वो कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहन के लिंड, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए, वरना तू तो गया। विशुद्ध गुंडागर्दी बोलता है, अबे चुप मादर खोद, मैं तुमसे नहीं डरता, बिना बंधक के फिरौती किस चीज की, साले किडनैपिंग के धंधे में नए नए घुसे हो क्या? तभी उन तीनों में से एक बताता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी उंगली कटवा ली, उसे लगा कि $1 million मिलेंगे। ये गलत बात है, हमें पैसे दे दो यार। टट्टा राज कहता है, सुन मेरे भाई, पैसे कभी थे ही नहीं, उस बूढ़े टांगे वाले ने हमें बस खाली बक्सा दिया था। जो सुनकर तीनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं और उनका लीडर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो पैसे हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर वो अपने पर्स से खुशी खुशी $4 निकालता है और दूसरा दोस्त अपनी पॉकेट से $18 निकालता है। लेकिन विशुद्ध गुंडागर्दी उन्हें एक भी पैसा नहीं देना चाहता था, जिस वजह से उन सभी की आपस में हाथापाई होने लगती है, जिनको गुंडागर्दी अकेला ही सुलटा देता है। लेकिन उनके साथ जो दोस्त था उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पड़ा पड़ा ही टैं बोल जाता है। आखिरी सीन में वो अपने दोस्त की अस्थियां लेने अस्थि घर जाते हैं, जहां सेल्समैन उन्हें अस्थियों के साथ साथ एक कलश भी चिपका रहा था, जो कि था $180 का। विशुद्ध गुंडागर्दी, जिसका $180 सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, तो पूछता है, बहन खोद, $180 का कलश, क्या उसमें हमारे दोस्त की अस्थियों को रखने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी भीषड़ी के? टट्टा राज पूछता है, क्या तुम हमें वो कलश किराए पर दे सकते हो? हम अस्थियां बहाकर आपको आपका कलश वापस कर देंगे। वो कहता है, नहीं सर। जो सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक पेंट के डब्बे में अपने दोस्त की अस्थियों को लेकर उसे बहाने पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां विशुद्ध गुंडागर्दी उसके शोक में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। फिर वो अस्थियों को बहाने की बजाय हवा में उड़ा देता है, जो कि उड़कर सारी की सारी टट्टा राज पर आ गिरती है। गुंडागर्दी पीछे पलटता है और उसे देखकर कहता है, सॉरी यार, हवा की वजह से हो गया। टट्टा राज गुस्से में कहता है, गिंडू तेरा दिमाग खराब है, तू बहन के लुंड कभी नहीं सुधरेगा, अस्थियों को हवा में कौन उड़ाता है साले, दिमाग से पैदल। जिस पर गुंडागर्दी उसे जबरदस्ती अपने गले से लगा लेता है कि यार माफ कर दे भाई, और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।